उनको इस अबेंडेंड प्लेन के बारे में ज़्यादा जानकारी है वो। तो जी मैं आप लोग को इंजन ऑयल का और कूलेंट का रिव्यू देने वाला था। तो ऐसा है कि हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज है संडे और आज मैं जा रहा हूँ एक बढ़िया सी राइड पे। तो वो कहाँ जाना है वो आप लोग को मैं बाइक पे बता दूंगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के ठीक 7 बजने वाले, आप लोग को दिख रहा होगा इसमें कैमरे में, ठीक। आप लोग को मेरी विला वाली वीडियो कैसे लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को मजा आया, आप लोग को हंसी आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताएं। एक्चुअली बहुत दिन हो गया था कोई सोलो राइड पे नहीं गए, क्योंकि पावना लेक के बाद कोई राइड पे जाने का मौका ही नहीं मिला था। तो आज मौका मिला है, आज संडे का दिन है, तो आज एक बढ़िया सी सुकून वाली जगह पे जाएंगे, वही जाएंगे जहाँ कोई आता जाता नहीं है ना। तो आज वीडियो बनाते टाइम आप लोग को मैंने, जैसे कि RS 200 की मैंने जो सर्विसिंग कराई थी, फिफ्थ सर्विस कराई थी, उसमें इंजन ऑयल और क्या बोलते हैं अपना ये कूलेंट जो मैंने डलवाया था और इंजन ऑयल डलवाया था, तो वो दोनों का रिव्यू कैसा है वो आप लोग को मैं आज बाइक पे ही बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो इंजन ऑयल डलाने के बाद और वो कूलेंट यूज करने के बाद ऑलमोस्ट मेरी बाइक मतलब 500 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो अब रिव्यू देना एकदम सही रहेगा, ठीक है। और तो आप लोग को मेरी ब्रेक पैड वाली वीडियो कैसी लगी है वो आप लोग मुझे जरूर बताएं। जो वर्षा का ब्रेक पैड से मैंने स्टॉक ब्रेक पैड को कंपेयर किया था, जो वीडियो बनाई थी, थोड़ा मतलब जो लेंथी वीडियो हो गई थी 35 मिनट वाली, तो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो जी आज जैकेट पहनने का ऐसा कुछ इरादा नहीं, आज मैंने हाफ अस्तिन की टी शर्ट पहन ली है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो जी आज की राइड में मैं जैकेट नहीं पहनूंगा, बिना जैकेट पहने ही मैं आज राइड करूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो फिर व्लॉग बनाने में इतना मजा नहीं आएगा, है ना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो चलिए अब बातें बहुत हो चुकी है, अब आप लोग से मैं डायरेक्ट बाइक पे मिलता हूँ, है ना, फिर सारी बातें वहीं पे करेंगे, ठीक है। और कहाँ जाने वो बाइक पे आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो फाइनली अभी हम अपनी बाइक पे आ चुके हैं और राइड पे जाने के लिए एकदम रेडी है। और बात करते 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 8 बज गए हैं, है ना। तो जहाँ चलिए इस राइड को स्टार्ट करते हैं। और राइड स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑल गुड टू गो, लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। तो बहुत दिन के बाद ये राइड पे जाने का मौका मिला है, वो भी अकेले। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ विने गांव, ये मतलब खुपोली से कुछ 15 किलोमीटर पहले है, ठीक है। लोनावला जाते टाइम ये रास्ते में पड़ता है, तो वही रास्ते से हम जाएंगे। और ये मेरी लोकेलिटी से पूरा 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और मैप पर बता रहा था कुछ 1 घंटा लगेगा पहुँचने में, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे, है ना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ विनय गांव, वो जो हमारी लोकेलिटी से 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक अबेंडेंट प्लेन है, प्लेन मतलब एयरप्लेन है जैसे। तो उसी को मैं आज देखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील देखी है, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे मतलब संडे राइड वाले लोग जो जाते हैं वहाँ पे अबेंडेंट प्लेन को देखने के लिए, मैं भी वही जा रहा हूँ देखने, है ना। तो आप में से जो लोग उस अबेंडेंट प्लेन को देखने गए हैं वेना गांव, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मेरे मुंबई के सब्सक्राइबर है, जो मुंबई में रहते हैं, जो वहाँ पे गए हैं, वो बताएं मुझे, है ना। गर्मियों में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, यही ठंडी का टाइम रहता तो मतलब उजाला होता, लेकिन थोड़ा कम उजाला होता। लेकिन अभी सुबह के 8:10 हो रहे, ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12 बज रहे हाईवे पे। तो आप लोग समझे नहीं होंगे कि अबेंडेंट प्लेन का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में कैसा है कि एक प्लेन है जो असली का जो प्लेन उड़ता है, वो वाला प्लेन, हाँ, वो समझ लीजिए स्क्रैप हो गया, ख़त्म हो गया है। तो उसी को एक तरह से समझ लीजिए वो टूरिस्ट विजिटिंग प्लेस हो गई है, या राइडर विजिटिंग प्लेस हो गई है, या पिकनिक स्पॉट हो गया लोगों का। पिकनिक स्पॉट तो नहीं बोलेंगे, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो ऐसा है, वो प्लेन बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से स्क्रैप हो गया। तो उसी को सब राइडर लोग मतलब विजिट करने जाते, देखने जाते हैं।
तो वो है। और इस एमेंडेड प्लेन की कहानी भी बहुत थोड़ी लंबी चौड़ी है। शायद ये एयर इंडिया का प्लेन था, एयर इंडिया का, शायद बोइंग 737 या 733 जो भी है, 777 जो भी रहे वो था। तो उसमें एक ट्रक ड्राइवर शायद दिल्ली लेके जा रहा था, ठीक है। तो दिल्ली लेके जाते जाते वो आधे रास्ते में कोई ब्रिज के नीचे फंसा और प्लेन वहाँ से निकल नहीं पाई, तो वहीं फंस गया, छोड़ दिया वो ट्रक व्रक, छोड़ के भाग गया। तो भागने के बाद उसको एक शायद आदमी ने खरीद लिया था अपने, क्या बोलते हैं, रिसोर्ट के लिए, कि पब्लिक आएगी, 1 करोड़ रुपये में कुछ उसने खरीदा था। तो फिर उसका रिसोर्ट ही बंद हो गया, तो फिर उसको वहीं पे विनय गांव में रख दिया गया। ऐसा मतलब एग्जैक्ट जितनी मतलब जानकारी मैंने गूगल से सर्च करके जो देखा है, जो वीडियोस में देखे हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गर्मी चाहे जितनी हो, जो रियल राइडर लोग रहते हैं, जो फिक्स रहते हैं जिनका हर संडे जाना राइड पे, वो हमेशा देख गया इसे हिमालयन वाले भाई की तरह राइडिंग जैकेट पहन के जाते हैं। तो जी, मैं आप लोग को इंजन ऑयल का और कूलेंट का रिव्यू देने वाला था। तो ऐसा है कि देखिए, तो जी लिक्वी मोली का जो इंजन ऑयल है 10W50 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, ये वाकई में बहुत अच्छा इंजन ऑयल है और बहुत ही शानदार इंजन ऑयल है। तो इसका टेस्ट कभी आपको करना रहे तो ये आप हमेशा हाईवे पे करना, क्योंकि गली कूचे में आप इंजन ऑयल मतलब अच्छे में अच्छे डला लेंगे और फिर बोलेंगे कि ऐसा कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहे, तो आपको गली कूचों में या मोहल्ले के आसपास में कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप कोई एक्सप्रेस हाईवे पे लेके आएंगे, उसको चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लिक्विड मोली के इंजन ऑयल की खासियत ये है 10W50 का, तो इसका लिमिटर जहाँ 10,000 RPM है, ये पूरा 10,000 RPM तक जब तक नहीं पहुँच जाता है, इसका टॉप एंड मतलब बहुत अच्छा रहता है ये इंजन ऑयल का, जब तक ये 10,000 RPM तक नहीं पहुँच जाता है ये तब तक हार नहीं मानता है। ये इंजन ऑयल अपने RPM को हीट करने तक, जब तक इसका फुल RPM जब तक हीट नहीं हो जाता तब तक मतलब ये स्मूथली एकदम रन करती है। और ये क्या नाम है, स्मूथनेस आपको 5,000 RPM के बाद देखने मिलेगा, उससे पहले देखने नहीं मिलेगा। हाईवे पे आप चलाएंगे 5,000 RPM जैसे ही आप क्रॉस करें ना, तो एकदम स्मूथली मक्खन की तरह गाड़ी आपकी जाएगी। ऐसा है एज़ कम्पेयर टू मोटुल, इसका इनिशियल थोड़ा सा कम है स्टार्टिंग में, लेकिन 5,000 RPM के बाद एकदम बोले तो भागेगी भी बहुत अच्छी और स्मूथली एकदम जाएगी। वाइब्रेशन बहुत आपको बहुत हद तक कम लगेगा ये इंजन ऑयल डलाने के बाद, ख़त्म नहीं होएगा, थोड़ा सा बस कम हो जाएगा वाइब्रेशन। और रही बात इस लिक्विड मोली की कूलेंट की रेफ 12 की, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत ही शानदार वो परफॉर्म कर रहा है। मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे शानदारी से ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि पिछले साल 2023 में जब इसमें स्टॉक वाला कूलेंट था उससे इतना ज़्यादा गाड़ी ओवर हीट करती थी, करते करते माल फंक्शन के लाइट चालू हो जाती थी हर बार, इतना ओवर हीट करती थी, मतलब वो हीटिंग को कंट्रोल कर ही नहीं पाता था वो स्टॉक वाला कूलेंट। और ये वाला रेफ 12 बहुत अच्छा सुपर डुपर काम कर रहा है ये तो। फॉर एग्जांपल एक समझ लीजिए आप, जैसे 100 किलोमीटर में स्टॉक वाले में रेडिएटर फैन जो था वो समझ लीजिए जैसे 10 बार चालू होता है, तो ये 4 बार या 5 बार ही चालू होगा ये रेफ 12 डलाने के बाद। ऐसा, और हीट मैनेजमेंट भी बहुत कंट्रोल है, बहुत हद तक कंट्रोल है। मैं तो ऐसी गर्मी में जितनी स्पीड से मैं चला रहा हूँ 60, 70, 80, 90 तक जा रहा हूँ, मैं 100 तक जा रहा हूँ हाईवे पे, तो बहुत ज़्यादा हीट आती है, लेकिन ऐसा कुछ रेफ 12 को दलाने के बाद ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है ऐसा इस कूलेंट के साथ। सो एज़ कम्पेयर टू मोटुल इंजन ऑयल और लिक्विड मोली इंजन ऑयल, देखिए दोनों इंजन ऑयल अपने हिसाब से बढ़िया काम करता है, ठीक है। लिक्विड मोली का क्या है, ये स्टार्टिंग में इसमें पिकअप तो नहीं रहेगी, लेकिन ये टॉप एंड तक जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है हाईवे पे ये, ठीक है। और मोटुल का कैसा है, उसमें स्टार्टिंग में पिकअप तो भरपूर रहेगी, लेकिन एंड तक जाते 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 बेचारा मतलब थोड़ा सा उसमें टॉप एंड कम है और लिक्विड मोली में टॉप एंड ज़्यादा है ऐसा। और अच्छे दोनों इंजन ऑयल है, अगर आपको सिर्फ सिटी में मतलब शहर के अंदर ही आपको अगर जैसे बाइक चलाना है, राइड करना, ऑफिस जाना आना है, तो आप मोटुल ही यूज़ कर लो, ठीक है। या आप जैसे, या तो फिर आप जैसे लॉन्ग राइड कर रहे हो तो आप लिक्विड मोली प्रेफर कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जी टोटल अभी पूरे 40 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और पनवेल जस्ट मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी, और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:50 और 7:50, 7:55 पे कुछ वहाँ से निकले थे घर से।
आप में से जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस अबेंडेंट प्लेन के बारे में ज़्यादा जानकारी है वो मेरे कमेंट में लिख के बता दें, मतलब जितना मुझे है जितना मैंने बताया उससे और ज़्यादा अगर आप लोग को है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बहुत से राइडर जैकेट पूरा ट्रैक सूट अपना पहन के आए, राइडिंग सूट जो होता है पूरा पहन के आए बहुत से राइडर लोग, मुझे भी लगता है पहन के आना चाहिए था लेकिन मैं डर गया था यार बहुत ज़्यादा अगर गर्मी लगेगी तो। मुझे लग रहा है अब अगली बार से चाहे जितनी भी गर्मी हो मुझे जैकेट पहन के आना ही रहेगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसमें लोनावला वाले हाईवे पे इतनी बार आ चुका हूँ कि अब मैं क्या दिखाऊँ मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं क्या दिखाऊँ आप लोग को। तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और ठीक 9:10 पे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और ये रहा अबेंडेंट प्लेन आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे। तो ये रहा वो अबेंडेंट प्लेन आप लोग देख सकते हैं, ये शायद ये एयर इंडिया का होएगा बोइंग 737 एयरबस तो नहीं लग रहा है ये बोइंग 737 ही लग रहा है। और कुछ अभी यहाँ पे काका थे वॉचमैन जो है वो बता रहे थे कुछ ये 15-16 साल से ये यहीं पे रखा गया है मतलब पढ़ा है तो यहीं पे पढ़ा ही है ये। और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड भी नहीं है जैसे आप अपनी बाइक से यहाँ पे एक संडे राइड के लिए आना चाहते हो फोटो वोटो क्लिक कराना चाहते हो इस अबेंडेंट प्लेन के साथ तो आप बिल्कुल आइए बहुत अच्छी जगह है मतलब एक संडे राइड भी हो जाएगा मूड फ्रेश हो जाएगा। और ये रही अपनी बाइक तो अभी वो भाई लोग जरा फ़ोटो खिंचा रहे थे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था उनको फ़ोटो लेना था मेरी बाइक के साथ में यहाँ पे। तो अब ये प्लेन तो जैसे ख़राब हो गया अबेंडेंट हो गया ख़त्म हो चुका है पूरा ये तो इसको अब मोस्ट ऑफ टाइम इसको शूटिंग के लिए ही अब यूज़ किया जाता है। और ये ऊपर जाने का इसका स्टेयरकेस है वो दरवाज़ा लेकिन अभी जाने नहीं रहे क्योंकि इन लोगों के पास अभी क्या चाबी नहीं है क्या है वो नहीं मना कर रहे हैं अभी वॉचमैन लोग। अभी मुझे यहाँ पे मेरे ये दो भाई मिले थे ये भी साथ में राइड करने आए थे यहाँ पे अबेंडेंट प्लेन के पास में, ये महीर सिंह भाई है अपना और ये अपना शोभित भाई, क्या नाम है? श्वेत भाई। और इसके बारे में ऐसा कुछ बताने जैसा तो नहीं है जो बताया उतना काफ़ी है। और यहाँ पे आप कभी आ रहे होंगे तो अपने पानी की बोतल खाने पीने के आइटम लेके आइए और यहाँ पे आने के बाद अगर आप मेरा वीडियो देख के आ रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कचरा वगैरह मत करना इसको अपना गली मोहल्ला मत बनाना ठीक है। ऊपर जाने के स्टेयरकेस है तो यहाँ से जाके देखते हैं ऊपर से क्या व्यू आएगा। अभी तो बोल रहे थे कि इसके दरवाजे के अंदर जाने की मतलब चाबी नहीं है और अपनी बाइक और ये हाईवे और ये मैं। अबेंडेंट प्लेन की हालत बहुत बुरी कर दी है इसका आप देख रहे हैं ये विंग्स है इसके और ये इसका फैन जो रहता है पूरी हालत खस्ता कर दी है इस प्लेन की क्योंकि खस्ता हो भी जाएगी हालत क्योंकि 15 साल से खड़ी एक ही जगह पे। और
और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोग बोर तो नहीं हुए? आप लोग को ये वीडियो अच्छी तो लगी है? कुछ नया देखने को मिला मेरे वीडियो पे कि नहीं, वो भी बताओ। और इस प्लेन की हालत देख के ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे अगर रात में आ गए तो कोई ना कोई साथी मिल जाएगा आपको, रात का साथी। अब समझ जाइए आप लोग, क्योंकि ये दिखने में इतना भयानक है, रात में अगर कोई आएगा ना शायद ही वो वापस जा पाए, और जाएगा तो कुछ बोल नहीं पाएगा मे बी। और ये एरोप्लेन देख के आप ये मत समझना कि ये कोई डमी प्लेन है, ये सचमुच का एरोप्लेन है, क्योंकि दिखा रहे तो आप लोग को इसकी मशीन वगैरह सब अंदर क्या फिट रहती है। ये देखिए, और ये तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो इस अबेंडेंट प्लेन का ये लगेज कंपार्टमेंट है, दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो सारे लगेज यहीं पे रखे जाते हैं। तो अभी मैं इस एयरप्लेन के अंदर जा रहा हूँ, तो अंदर का क्या व्यू है वो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ अभी, है ना। ये देखो स्टेयरकेस यहाँ पे नीचे, और मैं यहाँ पे, और ये पायलट का कंपार्टमेंट है ये वाला। तो अभी एक वॉचमैन अंकल है तो उनसे मैं पूछा था, तो वो बताए कि ये सहारा एयरवेज का फ्लाइट है, ये 20 साल से मतलब खड़ा है, कोई एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम, कोई 15 बोलता है कोई 20 बोलता है ऐसा। ये कैप्टन की जगह यहाँ पे, और ये है वो सीट्स। तो फ्लाइट में जैसे डबल एक्सेल कोई ज्यादा मोटा है पतला है तो उसके लिए ये अलग से सीट रहती है आगे की। तो ये अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, और यहाँ पे भी कुछ लगेज रखना है, हैंडबैग रखना है, कुछ वगैरह कुछ भी रखना है तो रख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। 15 साल से 20 साल से ये यहीं पे खड़ा है, फिर भी इसकी कंडीशन मतलब बहुत अच्छी है, बहुत गनीमत है। इतने ये नहीं कि मतलब लोग घूमने आते हैं कि फाड़ देंगे खराब कर देंगे, वैसा भी नहीं है, माशाल्लाह मतलब बहुत गनीमत अभी हालत इसकी। ये क्या टॉयलेट वगैरह है यहाँ, तो ऐसा कुछ व्यू है इसका। ये देखिए आप लोग, तो चलिए जाते जाते एक अंकल वॉचमैन अंकल मिल गए थे, वो बता दी ऊपर जाने की परमिशन दे दी उन्होंने, तो आ गए यहाँ पे हम लोग, है ना। तो आप में से जो लोग कभी मतलब फ्लाइट पे नहीं बैठे हैं कभी, या मतलब उनको मौका नहीं मिला बैठने का, तो इस अबेंडेंट प्लेन में आए, इसको देख ले कि प्लेन ऐसी होती है, मतलब कभी जो जिसने देखा भी नहीं अंदर से, तो वो इस प्लेन में आए इसको देख ले कैसे है कैसी नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था, ये पूरा इसका व्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आप लोग को, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दें। मिलता हूँ आप लोग से दूसरी वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन दी अनदर वीडियो। ओके टाटा बाय बाय।